नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तीन लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे, 15 लाख कैश के साथ लाखों के सामान बरामद। मुंबई उपनगर की कुराल पुलिस ने एक गैंग के 3 ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो मुंबई व गुजरात में कार और बाइक से रात के समय हथियार के साथ घूमते थे और मौका मिलते ही लोगों से लूटपाट कर फरार हो जाते थे। पुलिस इन लुटेरों के पास से एक कार, एक बाइक, 15 लाख कैश, एक देशी कट्टा, चॉपर, तलवार, मोबाइल, लाल मिर्ची के पाउडर, रस्सी और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस गैंग के सदस्य मुंबई व गुजरात के हाई प्रोफाइल इलाकों में VIP की तरह गाड़ियों में डुप्लीकेट नंबर लगाकर घूमते थे और राह चलते कोई मिल जाता तो पहले उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल देते और फिर उसे लूट लेते, या अगर कोई घर बंद होता तो ये वहां जाकर हथियार के दम पर लूटपाट करते थे। जोन 12 के DCP डॉक्टर विनय कुमार राठौर ने बताया कि 13 मई की रात 12 से 1 बजे के बीच कुरार पुलिस को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग गाड़ियों के साथ दिंडोशी इलाके में काफ़ी देर से घूम रहे हैं और उनके पास हथियार भी देखे गए हैं। जानकारी मिलने के बाद कुरार पुलिस के API गोरखनाथ गार्गे और PSI जीनपाल बागमारे की टीम वहां पहुंचकर सुबह करीब 3 बजे गैंग के 3 लोगों को रंगे हाथों धर दबोचा। अभी तक की जो हमने तफ्तीश की है जानकारी, तो ये जो आरोपी है ये बहुत ही उनका रिकॉर्ड काफ़ी लंबा चौड़ा है। मुंबई में ये पहला ऑफेंस उनके ऊपर रजिस्टर्ड है, बट गुजरात में लगभग 11 अभी तक हमको पुलिस स्टेशन की जानकारी मिली है। सरखेज पुलिस स्टेशन, कागड़पीठ, नरोड़ा, सरदार नगर, मलपुरा, सारामोल, गुजरात इंटरसिटी, साथ ही साथ वाशी और ठाणे डिस्ट्रिक्ट और नवी मुंबई में भी इनके ऊपर गुनाह दाखिल है। आरोपी जो है अभी फ़िलहाल जुडिशियल कस्टडी में है, बट एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने एक ऑफेंस रजिस्टर डिटेक्ट किया है, जबकि एक आरोपी भागने में सफल हो गया। मुंबई से विनय दुबे, खबरदार। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।